हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी। आई हैं संदीप स्नेहा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ। टाइटल देख के और थंबनेल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट कौन सा है। यस, ये है पैक का HD फाउंडेशन। अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको फुल कवरेज HD एक फाउंडेशन चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग वाला, वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट आप बोल सकते हो, फुल कवरेज, यस, फ्लॉलेस फिनिश वाला एंड मैट फिनिश वाला अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बहुत ही छोटा सा रिव्यू है, मैं अप्लाई करके नहीं दिखा पाऊँगी, बट यस, मैं जो ये वाला मेकअप की हूँ इसी फाउंडेशन से की हूँ। इसमें एक और फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके देन यूज़ की हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ही ग्लोई लग रहा है। फिलहाल यहाँ तो मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, बट इस जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देन यहाँ पे या फोरहेड पे मैं कोई भी हाइलाइटर नहीं यूज़ की हूँ, तो देख सकते हो कि कितना अच्छे से ग्लो करता है, ऊपर से मैट फिनिश भी देता है एंड ये क्लेम करता है कि लास्ट अप टू 12 आवर्स। सो ये काफ़ी अच्छा है एंड पैक एक प्रोफेशनल ब्रांड है। इसका जो प्राइस है 875, कभी कभी पैक पे नायका पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है 5% और 10%, तो बहुत कम देता है तो उस पर भी आप ले सकते हो। अदरवाइज 900 के अंडर अगर आपको एक परफेक्ट प्रोफेशनल मेकअप चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, फुल कवरेज हो, मैट हो, ग्लोई हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, HD हो, तो और क्या चाहिए, ये परफेक्ट है। जस्ट ग्रैब दिस। एंड ये इसका जो पैकेजिंग है ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे ओपन होता है। मुझे इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा एंड इस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है इस तरीके से। एंड इसका जो क्वांटिटी है ये 30 ml है एंड इसका कोई अलग कैप नहीं है, ये छोटू सा एक कैप है बस इतना ही। मुझे इस एक बात का बहुत ही मतलब अजीब लगा कि ये लोगों ने कार्डबोर्ड के पैकेजिंग पे इतना वर्क किया, बहुत अच्छी बात है। नाइस पैकेजिंग, एक लग्जोरियस, एक अलग ही फील देता है, बहुत सही है। बट कैप के लिए इन्होंने देखो कंजूसी कर दिया, बिल्कुल छोटू सा ही आप पकड़ भी नहीं पाओगे इतने, बट ये कम चल जाएगा। एंड इसका जो शेड है वो है 4.0, ये मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए है। बट यस, अगर आप दोनों शेड लेते हो तो मिक्स एंड मैच करके आप ले सकते हो। ये आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे भी डेफिनेटली लगा सकते हो बहुत ही अच्छे से। अगर आप हाइलाइटिंग कंसीलर एंड एक आइवरी कलर का अगर आप पाउडर पैड करते हो तो अच्छे से ये वर्क कर सकता है। एंड यस, इसका जो शेड है मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। एंड यस गाइज, यहाँ पे आपको एक एरो, छोटू सा एक एरो दिया हुआ है, इसको ट्विस्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा पंप करोगे तो। ये है अनलॉक एंड आप इसको फिर से ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं इसको लॉक कर देती हूँ। एंड जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, ये एक मीडियम टू डार्क स्किन टोन का एक फाउंडेशन है। फिलहाल तो आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर भी आप अच्छे से काम चला सकते हो। आप देख सकते हो, मैं खुद नहीं बोलूँगी, आप देख के समझ सकते हो कि कितना अच्छे से ये काम करेगा फेयर स्किन टोन पे भी। बाकी ये फुल कवरेज है, अमेजिंग एक प्रोडक्ट है। ब्लेंड मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बटरी सॉफ्ट और वेलवेटी काइंड ऑफ है, तो ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा पैची भी नहीं लगेगा। क्योंकि मतलब मैं खुद अप्लाई की हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल वेलवेट काइंड ऑफ फिनिश मिलेगा आपको। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई थिंक ये इनफ है। एंड यस गाइस, ये वाला फाउंडेशन ड्राई चाहे ऑयली चाहे कोई भी स्किन टोन वाले, स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरा ड्राई कॉम्बिनेशन, ऑयली, ये पूरा कॉम्बिनेशन टाइप का स्किन है, तो मैं खुद यूज़ करती हूँ, कर रही हूँ फिलहाल। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, जस्ट गो एंड ग्रैब दिस। अगर आपको इस रेंज में एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो इसको। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।